जो इस घर का ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे सारे विजिटर्स के लिए। मतलब कितने लग जाएगा बनाने में? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले स्टूडियो में सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में और क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में। तो गाइस क्रेजी एक्स वाई जेड हाल ही में दुबई गए थे और उसके बाद वहां पर वो दुबई के फेमस व्लॉगर मो व्लॉग से मिले और उनके साथ उनका एक पॉडकास्ट वीडियो भी शूट हुआ है। अब ये पॉडकास्ट पूरा इंग्लिश में, तो अगर आपको देखना है तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जाकर के पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो। सो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, और गाइस अब हम बात करते हैं सौरव जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो गाइस सौरव जोशी ने आज के व्लॉग में दिखाया कि उनका जो नया घर बनने वाला है उसका 3D डेमो तैयार हो चुका है और उनका वो घर कैसा होने वाला है, कैसा गेमिंग रूम होगा, कैसा हॉल होगा, कैसा पार्किंग होगी, इसके बारे में सब कुछ 3D डेमो वीडियो में दिखाया है। अब गाइस सौरव जोशी के इस डेमो वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि सौरव जोशी का ये घर बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें बहुत पैसे भी लगने वाले हैं। वहीं इसी बात को लेकर सौरव जोशी के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ये अंदाजा भी लगाया कि ये घर करीबन 10 करोड़ के आसपास का होने वाला है। अब ये घर 10 करोड़ के आसपास का होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो है कि अगर सौरव जोशी ने इस घर को बनवा लिया तो शायद वो इंडिया के पहले ऐसे यूट्यूबर होंगे जिन्होंने अपनी खुद की मेहनत से इतना बड़ा घर यूट्यूब की इनकम से बनाया होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सौरव जोशी का ये घर बनने में कितना पैसा लग सकता है, कितने करोड़ लग सकते हैं, आप लोग की राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।